नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल मूवी बाबा गेमर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चंदन प्रभाकर की। चंदन प्रभाकर, जिसको कि आपने कपिल शर्मा के शो में चाय वाला की भूमिका में देखा होगा। चंदन प्रभाकर असल में जो है वो चाय वाला नहीं है, वो चाय नहीं बेचते हैं। तो आइए जानते हैं आज उनकी संपत्ति के बारे में, कितनी संपत्ति के मालिक है ये चंदू चाय वाला उर्फ चंदन प्रभाकर। तो चंदन प्रभाकर एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन है। अगर आपको याद होगा, चंदन प्रभाकर और कपिल शर्मा ने अपने कैरियर की शुरुआत एक साथ की थी। इन दोनों ने ही स्टार वन पे ऊपर आने वाले कॉमेडी शो में हिस्सा लिया था, जिसमें कि चंदन प्रभाकर जो है वो विनर रहे थे, लेकिन कपिल शर्मा शो से बाहर हो गए थे। तो अगर आज की हम बात करें तो कपिल शर्मा चंदन प्रभाकर से कहीं ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, पर चंदन प्रभाकर भी अपनी एक खास जगह रखते हैं। चंदन प्रभाकर का कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही अच्छा है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, चंदन प्रभाकर के एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो वो अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कपिल शर्मा शो में जब भी कोई ऐसी होती है बात, तो चंदन प्रभाकर कोई ऐसी बात कह जाते हैं जिससे कपिल को भी चुप करना पड़ जाता है। वैसे तो हर बात का मजाक उड़ाने वाले कपिल चंदन प्रभाकर को बहुत बार जो है टीज करते हैं, उनको बहुत बार उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन चंदन प्रभाकर कई बार ऐसी बात कर जाते हैं कि कपिल शर्मा को भी बोलने के लिए बात नहीं मिलती है। तो दोस्त, चंदन ने अपने अलग अलग किरदारों से टीवी दर्शकों को खूब हंसाया है। अभिनेता कलर्स टीवी के कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के से लोकप्रिय हुए। चंदन वर्तमान में सोनी टीवी पर प्रसारित द कपिल शर्मा शो में अलग अलग किरदारों के लिए जाने जाते हैं। शो में वह चंदू चायवाला, चड्डा अंकल और राजू के किरदार और अन्य कई किरदार निभाते हैं। इस शो में चंदन ने ना केवल भारत के लोकप्रिय हुए, बल्कि विदेशों में भी उनकी कॉमेडी को पसंद किया जाने लगा है, जिससे विदेशों में भी उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। उनके कई देशों में जैसे US, दुबई, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कपिल शर्मा और पूरी टीम के साथ बहुत सारे शो हुए हैं। इसके अलावा चंदन ने एक पंजाबी कॉमेडी शो लाफ्टर द मास्टर भी बनाया है, जो ETC पंजाबी चैनल पर प्रसारित होता था। तो आप बात करते हैं चंदन प्रभाकर की नेटवर्क के बारे में, कितने अमीर है चंदन प्रभाकर। तो नेटवर्क को अगर हम देखें तो नेटवर्क देखो वेबसाइट के अनुसार चंदन प्रभाकर उर्फ चंदू चायवाला की कुल संपत्ति 7 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत एक्टिंग और कॉमेडी है। तो देखा दोस्तों, कॉमेडी कई बार इतनी भी सस्ती नहीं होती, लोग करोड़पति बन गए हैं इस कॉमेडी से। अभिनेता द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड के लिए 6 से 7 लाख रुपया फीस लेते हैं। तो क्या आपने भी कभी अपने कॉलेज टाइम में ये सोचा था कि जब आप कॉमेडी कर रहे हो स्टेज पर, तो इस कॉमेडी के लिए आपको भी किसी दिन 6 से 7 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ पर तो लोग पूरा पूरा दिन मेहनत करते हैं, उनको 2000 नहीं मिलते, और ऐसे कॉमेडी करने के बाद 6 से 7 लाख रुपया ये सिर्फ फीस ही ले रहे हैं। तो चंदन वर्तमान में मुंबई के एक आलीशान फ्लैट में रहते हैं। इसके अलावा उनके होम टाउन अमृतसर में भी उनका एक घर है। अभिनेता के हाल ही में एक लग्जरी कार BMW 3 सीरीज 320D खरीदी है। तो अब हम जान लेते हैं चंदन प्रभाकर की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो प्रभाकर का जन्म एक हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ था। वह एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े, जो हिंदी मान्यताओं में विश्वास करते हैं। वह भगवान गणेश के भक्त हैं। चंदन प्रभाकर की पढ़ाई पंजाब के अमृतसर में ही हुई। उन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर से की। 12वीं करने के पास करने के बाद चंदन ने हिंदू कॉलेज अमृतसर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech किया। तो चंदन प्रभाकर जहाँ कॉमेडी करते हैं, उसके साथ साथ उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है। ये नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं है तो कॉमेडी कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं भाई वो।
चंदन की शादी 2015 में नंदनी खन्ना से हुई थी और नंदनी उनकी पत्नी है। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम अर्धिका है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो चंदन प्रभाकर के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं हम आगे किसकी और वीडियो लेकर आए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे दिया गया लाल बटन दबाएं और साथ में दिया गया घंटा जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।